भाई जोगिंदर तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक नई रोस्ट वीडियो के अंदर। और आज हम जो गाना सुनने जा रहे हैं वो गाना है आयरनी सॉन्ग ऑफ द ईयर। मतलब जी जो इसके अंदर जो हमारे जोगिंदर भाई जी हैं, आयरोनिकली जो इनका ये डिस्ट्रैक्ट अच्छा है, लेकिन आयरोनिकली जो डिस्ट्रैक्ट में इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो ऑपोजिट हो रही हैं इनकी लाइफ में, जो इनकी करंट पोजीशन है उसके मुताबिक। जैसे इन्होंने बोला था एक्सपोज कर दूंगा, एक्सपोज हो गए। इन्होंने बोला था इनका रोस्टिंग बंद करा दूंगा, इनका खुद का धंधा बंद होने को आ गया। तो समझ लो इतना ज़्यादा हो चुका है इनका काम। तो आओ यार डूब चलते हैं इस मधोस डिस्ट्रैक्ट में। अबे बिटने की कोशिश मत करना, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने लाकर रहूंगा, इतिहास लिखा जाएगा यूट्यूब पर, हमारा भाई जोगिंदर। अबे भूषा देखा है कभी नंदा तो देख, तुम झूठ में सारे अकेला हूँ मैं, फिर भी बिटने को आ रहा हूँ, स्केलेटन का पता नहीं जो वाइब के बीच में गा रहा हूँ, तुम्हारा ही जाल तुम्ही ने बुना, तुम्ही को उसी में फंसा रहा हूँ। जोगिंदर भाई सैवेज सैवेज जोगिंदर भाई, क्या क्या लाइनें लिखी हैं जोगिंदर भाई। लेकिन आपने कहा था कि आप हार नहीं मानोगे अभी गाने के स्टार्टिंग में, और आपने तो अपने लाइव में ये कहा था। अबे बिटने की कोशिश मत करना, मैं हार नहीं मानूंगा। और ब्रो अपनी लास्ट वीडियो थी सोशल मीडिया पे, आज के बाद कभी नहीं दिखेंगे, मेरे को पता है मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अबे बिटने की कोशिश मत करना, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने लाकर रहूंगा। और जोगिंदर भाई दूसरों की सच्चाई बताते बताते अब अपनी सच्चाई छुपाना तो भूल ही गए यार। और आप तो ये भी कह रहे हो कि जो तू लिरिक्स है, क्या थी लिरिक्स? तुम्हारा ही जाल तुम्ही ने बुना, तुम्ही को उसी में फंसा रहा हूँ। जोगिंदर भाई आप पे सूट नहीं कर रही है ज्यादा लिरिक्स, एक्सपोज करने निकले थे खुद ही एक्सपोज हो गए, खत्म करने निकले थे करियर खुद का डामा डोल हो गया। गंदा कहीं का मैं बंदा कड़क ना लेता बड़क, कह के तुम्हारी बजा रहा हूँ, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, गरीब घर का लड़का यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे छा रहा है। जोगिंदर भाई ऐसा कौन सा गरीब होता है, कौन सा गरीब होता है ऐसा? अगर जोगिंदर की औकात चेक करनी हो ना तो एक बार घर आके मुलाकात जरूर कर लेना, औकात भी बता देंगे और वो मुलाकात में अपना सिस्टम भी दिखा देंगे। और क्या कह रही हो, ट्रेंडिंग पे चाह रहे गरीब घर के लड़के? पहली बात तो आप गरीब हो नहीं, और ट्रेंड ऐसे ट्रेंडिंग पे छाने से अच्छा तो भाई ना ही छाए हम। गजब बेइज्जती है, बड़े बड़े यूट्यूबर की बजा दी, जो बोलते थे हमारा यूट्यूब पे कब्जा है, मां का साहब हिला दो, सुनो छपरे यूट्यूबर तुमने कैस ले लिया पंगा, इतना भी जोर लगा लो नहीं रुकने वाला ये बंदा, खोलूंगा बोल तुम्हारी, तुमने यूथ किया है गंदा, वाली वाली रोस्टिंग का बंद कराऊंगा धंधा। जोगिंदर भाई दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो उसमें जरूर खुद गिरोगे। इन लोगों ने यार मतलब मेरा करियर ही खत्म कर दिया। वाली वाली रोस्टिंग का बंद कराऊंगा धंधा। ट्यून चेंज है मामा। क्या रे मिनाटे, ला तो सुन सामग्री, मेरा चाचा बोलता है कुछ भी ना कर पाए, खड़ा हूँ यूट्यूब पर बाल भी ना पड़ पाए, तू है बेटा सिम कार्ड, मैं हूँ बेटा वाईफाई, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर बंदा हूँ मैं हाईफाई, मेरे के तू रहना कुछ ना कहना, पहना दूंगा चूड़ी दिला दूंगा गहना, बात मेरी मान ले पकड़ अपने कान ले, मुश्किल मुझे सहना, फिर ना कहना मंगा लेना तू ही रहना, लास्ट है वार्निंग, फिर सॉरी ना कहना, रोज ना करना गलत पोस्ट ना करना, कंटेंट बनाओ ना व्यूज पे मरना। जोगिंदर भाई क्या फायर लिरिक्स है। लेकिन जोगिंदर भाई कैरी भाई ने तो अभी तक रोस्ट भी नहीं किया, ये मतलब उस बंदे ने अभी तक रोस्ट भी ना करा। याद है ना कि जब एक बार एक किसी को रोस्ट किया था तो फिर क्या हुआ था, वो बंदा क्या वो कंपनी बंद हो गई थी। टिकटॉक। जोगिंदर भाई कितनी फुटेज खाओगे कैरी की नाम की, कितनी फुटेज, मतलब कुछ होना तो कैरी मीनाटी चालू हो जाएगा, उसने तो रोस्ट भी ना मारा, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी शर्म ले आ, थोड़ा प्लीज। धंधा कहीं का शेड्यूल के चक्कर में भाग रहे हैं, सीमा संस्कारों की लग रहे हैं, काली जैसे सरे हम बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, धंधा भी कुछ नहीं कह रही है, वीडियो
गाड़ियों का मजा उठा रही है, जे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मेरा नाम ही बर्बारी है। जोगिंदर भाई आप कह रहे हो कि हम भी उसके पीछे भाग रहे हैं दिन के लिए, आप जो एक टॉपिक है उसकी 10-10 वीडियो बनाओ आप, ठीक है, व्यूज के पीछे हम भाग रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लेके वीडियो आप बनाओ बदनाम करने के लिए, व्यूज के पीछे हम भाग रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, थोड़ा तो सोचो। और नहीं आप क्या कह रहे हो, आपका नाम ही बराबारी है इनके लिए। जोगिंदर भाई क्या कॉमेडी करी है, मतलब आपने गाने के अंदर तीची कॉमेडी कहाँ से ले आया, आपका नाम भारी है। हाँ वैसे भारी तो है थारा भाई जोगिंदर, जो जोगिंदर ता लंबा ना भारी तो होगा। चौधरी अरे ओ धीरू बोल के क्या नाम है उस चुटंगी का, 10 फुट 5 इंच पाइप का सलोनी अप्पा। जोगिंदर भाई नहीं, जोगिंदर भाई मैं आपको एक ना बता दूं, लिरिक्स तो कथा फायर हो रखी है, लेकिन आपने जो एक सीन नहीं था जिसके अंदर मतलब एलवी यादव जी नीचे बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, एक वार्निंग दे दूं मैं आपको, जिस दिन रियल लाइफ में एलवी भैया आपसे मिल गए बस ना फिर ना सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो जाएगी, और मुर्गा बना दूंगा वाली जो लाइन है आपकी वो लागू हो जाएगी, लेकिन एलवी भैया सिर्फ गा रहे होंगे और आप नीचे बैठे होंगे वो ऊपर होंगे, सच्ची वार्निंग दे रहा हूँ। और फिर उस दिन एक वीडियो भी बना लेना, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, सच्ची। और ये क्या बोल रहे थे आप, एक सेकंड रुकना जरा, तुम इतने सारे पूरा लगा दिया था फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पा रहे, ये क्या था, पूरा लगा दिया था फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा पॉटी आ रही है, कंट्रोल कर रहे हो जोगिंदर भाई शूट पे। और नहीं आप क्या, अकेला हराऊंगा अकेला बहुत हूँ, फिर ये क्या कहा था आपने लाइव में अपने, मेरा हिंदुस्तान मेरी सपोर्ट में नहीं आ रहा, अगर मेरे हिंदुस्तान के 15 भाई भी मेरी सपोर्ट में आ गए ना, माँ की कसम खा रहा हूँ मेरे को डर नहीं लगता किसी से। जोगिंदर भाई नहीं, जोगिंदर भाई आप क्या चाह रहे हो, नहीं क्या चाह रहे, एक तो सबसे पहली बात बता, आप ये क्या कह रहे हो कि नहीं गाने ने हिलाया यूट्यूब, तो आपको प्राउड फील हो रहा है बवंडर पे, अरे कैसे प्राउड फील हो सकता, कितनी गालियां दी हैं लोगों ने नीचे बवंडर में, उसमें भी प्राउड फील कर रहे हो, और उस गाने ने बवंडर का तय नहीं लाया यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब का कचरा बढ़ाया, और आप तो वीडियो में सरेआम धमकी दे रहे हो, घर से उठा दूंगा ये जोगी भाई, क्या कर रहे हो भाई सरेआम धमकी, वो तो अलग खुद की वीडियो उठ गई यूट्यूब से, तब तो कुछ किया नहीं, कौन बोला कौन, मैं नहीं बोला जोगी, कौन बोल रहा पता नहीं। पास बहुत हुआ रैप, अब ये सुनो, भारत की जनता से एक छोटी सी बात कहनी है, तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हो लिखाते हो और अच्छे संस्कार देते हो, पर ये कुछ रोस्टिंग करने वाले यूट्यूबर अपनी वीडियो में गाली गलौज करके आपके बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आप लोगों से छोटी सी अपील है, आप अपने बच्चों पर नजर रखें और अभद्र वीडियो से उनको बचाएं। आर पार म्यूजिक तो जोगिंदर मतलब सुन लेते खत्म, जोगिंदर
जोगिंदर भाई इंटरनेट पे ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और ये आपकी मर्जी है या उन लोगों की मर्जी है उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना, आप उनको रोक नहीं सकते और ना कुछ कह सकते हो। और आपका क्या मतलब है कि गाली कोई गलत चीज नहीं है जोगिंदर भाई, अंटिल एंड अनलेस आपको उस गलत जगह उसे यूज कर रहे हो, कभी लड़ाई में कहीं दोस्तों में तो हम गालियां सब जगह चलती हैं, ठीक है, गाली कोई गलत चीज नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो गालियों से यूथ बिगड़ रहा है, इस हिसाब से तो आपके हिसाब से जो सुंदर पिचाई जी हैं वो गाली नहीं देते होंगे, अंबानी जी गाली नहीं देते होंगे, अडानी जी गाली नहीं देते होंगे, रतन टाटा जी गाली नहीं देते होंगे, भाई संस्कार तो उनके अंदर भी है सबके अंदर। गाली देने से गलती कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप गलत जगह दे रहे हो तो गलत है, ठीक है। और स्लैंग में आपने तो खुद ही वीडियो में अपनी गाली दी हुई है स्लैंग में तो चलती है जोगिंदर भाई, ठीक है। तो मतलब ये आप ये विक्टिम कार्ड और ये सब खेलना बंद कर दो, आपने तो चले थे लोगों को एक्सपोज करने और खुद ही एक्सपोज हो गए। प्लीज जोगिंदर भाई मैं सच बताऊं, गाना फायर था, फुल रिस्पेक्ट वो आपने अपने वो जो लाइव वीडियो कर रहे थे तो उसके अंदर आपने भी ऐसे कर दिया था ना, दिल इधर होता तो हो जाता है, आपका असर आ जाता है कभी कभी हो जाता है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जोगिंदर भाई आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है तो ना प्लीज थोड़ा सा कंटेंट सुधार लो, सब सही हो जाएगा, गलती मान लो आप अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा जोगिंदर भाई, ठीक है। और आज के लिए बस मैं ये वीडियो इतनी रखना चाहूंगा गाइस, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जोगिंदर भाई पे अब और वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग भी बोर हो चुके होगे, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और ये लकड़ी की आवाज से मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ कि लकड़ी कट्टी कब बंद होगी और मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। जोगिंदर भाई दिस इज स्ट्रगल, समझ गए, सोने की चेन पहन कर गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाना खुद की वो स्ट्रगल नहीं है, जो दोस्त का उधार लेके झूठ बोल रहा, दिस इज स्ट्रगल। मिलते हैं आज अगली वीडियो के अंदर फिर।